नीचे गिरा है। लॉकडाउन का असर यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में 5,871 नए केस मिले हैं, जबकि इस दौरान करीब 1,40,000 सैंपल की जांच हुई है। पटना में 1,282 नए केस मिले हैं, तो वहीं राजधानी समेत 5 जिलों में 200 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर में 356 है, समस्तीपुर में 258, बेगूसराय में 249, गया में 232 नए केस मिले हैं, वहीं कैमूर में महज 9 नए केस मिले हैं। वहीं बिहार में अब तक कुल 6,17,397 मरीज ठीक हुए हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 54,406 है। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 91.32% है। तो लॉकडाउन का असर दिखाई दिया है, मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोरोना की ट्रेन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कैमूर में 24 घंटे में फिलहाल 9 नए केस ही सामने आए हैं। तो कोरोना अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, 24 घंटे में 5,871 नए केस मिले हैं। तो बड़ी जानकारी, संक्रमण का ग्राफ नीचे गिरा है, यानी कि मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। राजधानी में 1,281 नए केस, मुजफ्फरपुर में 356 नए केस सामने आए हैं, समस्तीपुर की अगर हम बात करें 258 है, बेगूसराय की 249, गया 232, हालांकि कैमूर में सबसे कम 9 केसेस सामने आए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, लॉकडाउन का पूरा असर यहां पर दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ नीचे गिरता हुआ। जी देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और बाजार में जो मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर कह लीजिए जो हाँ हॉस्पिटल्स हैं, उन जगहों पे जब जाकर देखिएगा तो वाकई में जो आंकड़े हैं वो दोनों कहीं ना कहीं समान दिखते हैं। और जो भीड़ थी मेडिकल स्टोर्स पे दवाई लेने के लिए करके, एक जो गहमागहमी थी, भागम भाग थी, जो परेशानी परेशान थे लोग, उसमें थोड़ी सी जरूर राहत है। और कहीं ना कहीं कोरोना का जो पिक था वो ढलान की ओर है और धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात एक है कि जो मौत की जो संख्या है वो घट नहीं रही है, 100 के आसपास कहिए पूरे बिहार में मौत हो रही है। तो थोड़ी सी चिंताजनक ये बातें हैं, चूंकि रिकवरी रेट हम लोग का मतलब बिहार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मौत है बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती बनी हुई है कि मौत क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसकी संख्या क्यों नहीं कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के भी लोग चिंतित हैं इस पे कि आखिर मौत है वो जो आंकड़े हैं उसमें कमी नहीं हो रही है। रिकवरी रेट ठीक है, संक्रमण बहुत तेजी से नीचे गिरा है, लोग मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी हो रहे हैं, कह लीजिए कि इमरजेंसी या फिर जो जिनकी स्थिति काफी नाजुक बनी है तो रिकवरी में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो इस बिहार सरकार के लिए यही चिंता का सबब है। और बिहार नवजी, देखिए चिंताजनक स्थिति अब इसलिए भी बढ़ जाती है और अब इसलिए भी प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती हो जाती है। न सिर्फ कोरोना, ब्लैक फंगस का हम लगातार इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो। अब ब्लैक फंगस ने भी परेशानी को बढ़ा दिया है। एक तरफ कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का कहर। जी बिल्कुल, देखिए ब्लैक फंगस के हर दिन मामले सामने आ रहे हैं, आज भी 2 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे की बात कीजिएगा तो आधिकारिक रूप से जानकारी मिली है वही कि 2 लोगों की जान जा चुकी है ब्लैक फंगस की वजह से। तो ऐसे में एक बिहार सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए, पूरे जो शासन तंत्र हैं उनके लिए, एक ब्लैक फंगस है वो कह लीजिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने भी तैयारी की है और हर हॉस्पिटल को एक तरीके से देखा जाए तो अलर्ट भेजा है कि जिन्हें भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है उन्हें पूरे साफ सफाई की जाए। हर मरीज जिन्हें कह लीजिए कि डायबिटीज है उन पे विशेष निगरानी रहने के लिए क्या कहा गया है। राज्य सरकार है वो अखबारों में और अन्य माध्यमों से लोगों के बीच एक मैसेज दे रही है कि आप कोरोना संक्रमित होकर वापस घर लौट रहे हैं और आपके पास कुछ बीमारी है, डायबिटीज जैसे बीमारी है, तो आप अपने ऊपर भी थोड़ी सी निगरानी रखें। तो इस चुनौती से किस तरीके से सरकार आगे निकलती है, किस तरीके से बचती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, बहुत खराब है। एक तो कोरोना है, दूसरे ऊपर ब्लैक फंगस की मार है। बिल्कुल नवजीत, आपका